माइक नीचे यार। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का आभार मानता हूँ कि एक दो दिन का विराम बीच में मिल गया और मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मौका मिलता है। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहां पहुंचा था, दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए। गुजरात में रहते हुए अपनी तरह से कुछ न कुछ करता रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री बना सौभाग्य से यहां उत्तराखंड में भी अनुकूल सरकार बनी। आपने देखा होगा कि वैसे यहां तीन चार महीने से ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि बर्फ रहती है, 50-52 फीट तक बर्फ चली जाती है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और जब काम पीक पर होता है तो करीब 800,000 लोग काम करते हैं। और इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। एक तो मेरे मन में रहता है कि समय मिले तो इसका रिव्यू भी करूं और दूसरा इस धरती से मेरा एक विशेष नाता भी रहा है, आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहां हूं, दो दिन यहां एक गुंफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसों के बाद मिला और सामने ही 2400 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है, उसमें छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूं। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था, न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहां का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए लेकिन यहां की आस्था और श्रद्धा है उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते लेकिन उसमें कठिनाइयां रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करो। अच्छी टीम मिली है मुझे, डेडिकेटेड टीम है, वो काम कर रही है। मैं कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मॉनिटरिंग करता हूं, खुद वीडियो से पूरा यहां का व्यूज लेता रहता हूं। कभी कभार मैं देख रहा हूं कि जब ये यात्रा का कबाड़ खुलते हैं तो सामान्य मानवी को तो ऐसा लगता है चलो भाई कबाड़ खुले हम जाएंगे, तो इसके पहले दो महीने तक सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता है, रास्ते खोलने पड़ते हैं, बर्फ पहनने पड़ते हैं, यहाँ जो आवश्यकता है वो सामान पहुंचाना पड़ता है क्योंकि एवरेज धीरे धीरे करके डेली 25,000 लोग पहुंचते हैं, तो उन सबको सुविधा मिले। एक प्रकार से ये व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होता है लेकिन हमारे देश में इन चीजों की ज्यादा चर्चा बहुत कम होती है। अगर यहाँ कोई एकाध तकलीफ हो जाए तो वो मेन न्यूज बन जाती है, वरना सचमुच में
लगन लोगों को ये ज्ञान होगा भाई कितना कष्ट उठा करके लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं, तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहाँ तक भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता। पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसी ने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। तो भगवान शिवजी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जात के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है, और मई जून के चुनाव यानी तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे, आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा भी आप केदारनाथ में। उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण। क्योंकि ये खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर के बजाय केदारनाथ चले जाए। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहाँ स्थान पर वापिस पहुंचे। ईश्वर आपकी कृपा करे। गरुड़ चट्टी में आपने तपस्या की, तीन बार इतने सालों बाद सर याद ताजा अभी सर प्रधानमंत्री आप पुजारी जी कह रहे थे तो दूसरा ही चुनाव है कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। जीवन का वो पहलू ऐसा है जिसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। कभी कभी पुराने लोग मिल जाते हैं, नीतीश आप सबको भोले बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी विपक्ष बैठ के करना शुरू कर दिए।